अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मुबशरा इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मुबशराज कुजीन। तो आइए आज आपको बनाना सिखाते हैं बहुत ही यम्मी और मज़ेदार आलू का हलवा। और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो हैं आलू। आलू को आप भी क्रश कर लें और उसके अंदर हम डालेंगे एक गिलास दूध और चीनी, घी और ड्राई फ्रूट्स आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और साथ में इसके जाएगा खोया। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि जो एक दफ़ा खाएगा वो अपनी उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्लेम हम कर चुके हैं ऑन और हमने रख ली इस पर कढ़ाई। उसमें डालेंगे हम आलू, सारे आलू हम इसमें डाल के, और इसमें हम डाल देंगे एक गिलास दूध। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन, ताकि ये अच्छी तरह से जो आलू है ना वो गल जाए। आलूओं में दूध हम डाल चुके हैं और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से बॉयल हो जाएं दूध में और अच्छी तरह से पक जाएं। और जितनी देर तक ये पकते हैं उतनी देर तक आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। मेरी और भी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें देखें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं। और आज की रेसिपी के बारे में भी आप मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। आइए अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं। और ये देखिए कि दूध हो चुका है खुश्क और ये आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब हम इसमें ना घी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनने के लिए इसमें जाएगा घी, एक कप घी जाएगा इसके अंदर। ये देखिए ये जला गया है, उसको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। अच्छी तरह से साथ में इसको मिक्स करेंगे। एक कप चीनी, बारीक चीनी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मोटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोटी चीनी होती है वो जल्दी जो है ना वो इसके अंदर मिक्स नहीं होती है, तो आप बारीक चीनी यूज़ कीजिएगा या उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके बारीक कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और साथ में हम इसे डाल के चीनी को अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि चीनी भी इसके अंदर से अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए कि अब आलूओं ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और अच्छी तरह से अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज करेंगे, ये ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा है लेकिन हम इसका ना हल्का सा कलर चेंज करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से भुना हुआ लगे, कच्चे कच्चे आलू ना लगे। अब हम इसमें साथ में डाल देते हैं खोया, और ताकि खोया भी जो है ना वो अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाए और खोया भी साथ में भुना जाए। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए हलवा हमारा जो है ना वो अच्छी तरह से भुन गया है और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, और इस मीन के इसका जो है ना वो बुनाई अच्छी तरह से हो गई और इसमें घी भी काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम और साथ में डाल रही हूँ ये पिस्ता, और साथ में डाल रही हूँ इसके काजू। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छे लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें ये चीज़ें डाली हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो हलवा है ना वो फाइनल हो गया, रेडी हो गया। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज आलू का हलवा जो है ना वो बन के हो गया है रेडी। ये देखिए कितना दिलकश, कितना खूबसूरत और कितना यम लग रहा है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हलवा अब हम प्लेटिंग कर चुके हैं, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ बादाम जो हमने काट के छोटे छोटे दो दो पीस करके रखे हुए थे, तो ये हम अब इसके ऊपर लगा देंगे। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत और कितना ही प्यारा लग रहा है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने जो खुद बनाया है वो कैसा बना है।
अब आप भी फटाफट जाएं और ट्राई करें, बनाएं और मुझे फ़ौरन से बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।